My name is Shubham Jain, and I'm there to present my bot, FruitBot. FruitBot automatically separates fruits on the basis of their quality. Fruits of high quality are kept on the right side, and fruits of poor quality are kept on the left side. The parameter which is used in detecting fruit is color intensity. The color sensor detects the intensity of the fruits and accordingly separates them. This is a good intensity one, and this is a. It also made faces when it finds the fruit. When the fruit is of bad quality, it makes a angry symbol, but when the fruits are of good quality, it makes a smiley symbol. This is the EV3 color sensor which is detecting the fruits. Fruits of all color and shapes can be used here. हाँ यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर कर सकते हैं, जैसे ये मैकेनिकल आर्म रिमूव कर रहे हैं, एक मैकेनिकल आर्म इसको पुट करे, ये इस कन्वेयर बेल्ट को हम और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि फ्रूट्स अगर कन्वेयर बेल्ट पे आए तो ऑटोमेटिकली एक लाइन में आए। नमस्कार, मेरा नाम पलकेश निर्मल है। हम आज इस मतलब हमारे मॉडल ईवेस्ट पर आधारित है। इसमें क्या है, सबसे पहले है अग्नि सूचक यंत्र। इसमें सामने हमने ये ट्यूबलाइट के ख़राब स्टार्टर का प्रयोग किया है। इसमें जो दोनों तार हैं ये गर्म होने पर सिकुड़ते हैं, जिससे ये आपस में चिपक जाएंगे और कनेक्ट हो जाएंगे, तो इसका सर्किट पूर्ण होते ही इसमें बजर बज जाए तो लाइट चालू हो जाएगा, जिससे हम सूचित हो पाएंगे कि आग लग गई है, आग के संपर्क में होगा। दूसरा है ईवेस्ट वैक्यूम क्लीनर। इसमें हमने ख़राब CPU के SMPS में निकले कूलिंग फैन से इसको बनाया है। इसमें उस कूलिंग फैन को उल्टी साइड चलाकर, मतलब पहले तो वो हवा बाहर फेंकता है, उसको उल्टा चलाएंगे तो वो हवा अंदर हिचने लगेगा, तो इसको हमने उस तरह बनाया है। दूसरा है ईवेस्ट डू नॉट टच गेम। ये गेम बच्चों तथा मानव की एकाग्रता क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। इसमें ध्यान से बिना तार को टच किए इस पार से उस पार जाना पड़ता है, टेढ़ा मेरा रास्ते को पार करना पड़ता है। ऐसा अगर बचता है तो बीच में सर्किट पूर्ण होता है, बजर बजने लगता है, जिससे हमको पता चल सकता है। चौथा है ईवेस्ट स्मार्ट प्रोजेक्टर। इस प्रोजेक्टर में हमने ख़राब 100 वाट के ट्रांसपेरेंट बल्ब का प्रयोग किया। ट्रांसपेरेंट बल्ब को हमने खोखला करके उसमें पानी भर दिया, जिससे वह अब्तालाकार लेंस में परिवर्तित हो गया। अब इसमें हम एक साइड से मोबाइल की छवि प्रदान करते तथा दूसरे साइड उसको बड़े पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून, दिस इज आर प्रोजेक्ट बायोप्रिन्योर। इन 21st सेंचुरी इट इज़ द नीड ऑफ द आवर दैट वी सेव एंड क्लीन वाटर। इट्स वेरी द वाटर क्राइसिस हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम, सो वी हैव डेवलप्ड दिस बायोप्रिन्योर व्हिच हेल्प्स अस टू क्लीन वाटर। दिस कन्वेयर बेल्ट हेल्प्स अस टू रिमूव एंड सेग्रीगेट ऑल द सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। देन द वाटर पासेस थ्रू थ्री चेंबर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। The first chamber is made up of activated carbon. You take normal charcoal or carbon, you steam it and it becomes activated. It becomes microporous. So it absorbs all the micro impurities from the water. Then the second layer is made up of alum. Alum helps in the process of loading, in which all the heavy suspended particles in the water gets settled down, and with the process of decantation we can get pure water. Now the last layer, it is made up of chlorine. Chlorine helps in the disinfection of water, and if there are any chemicals in the water it neutralizes them also. And if in case any impurity gets into the water chamber, this muslin cloth helps us to prevent from coming out, and this way we get pure water. ये स्टन गन हमने बनाई है महिलाओं के सुरक्षा के लिए, और जब हम इसके मेन स्विच को चालू करते हैं, और दूसरा है जो एक तो गन को चालू करने के लिए या फिर इस बॉक्स में जो पावर बैंक है उससे मोबाइल को चार्ज करने के लिए। जब हम पहले गन को चालू करते हैं तो डायरेक्टली इसमें फ्लैशलाइट चालू होती है, एक लेज़र साइट है, और डायरेक्टली हम इस ट्रिगर बटन को दबाते ही इसमें करंट आ जाएगी। जब हम उससे किसी को शूट करते हैं तो जिस आदमी के शरीर को ये लगेगा वो एक घंटे के लिए बेहोश हो जाएगा, कोई हालचाल नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि ये वाला बटन दबाते ही डायरेक्टली फ़ोन कॉल लगता है इस बॉक्स में फ़ोन में। तो मैं दिखाता हूँ आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस फ़ोन में डायल किया है नंबर 100, जो कि इमरजेंसी नंबर है पुलिस का, और जब मैं इस बटन को दबाता हूँ तो डायरेक्टली फ़ोन कॉल लग जाता है। अच्छा,
जैसे हमेशा डायरी दिवस के 500 मीटर के अंदर उसके दूर गए तो वो सिग्नल नहीं पकड़ता। अच्छा, इसका नाम क्या है? स्टन गन। नहीं, ये प्रोटोटाइप है, इसलिए हमने इसे बड़ा वाला बनाया है। अगर हमें और रिसर्च करके इसे छोटा बनाने का ट्राई किया तो छोटा भी कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है बिल्डरवेयर। ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पे जो काम करते हैं ना, उनकी सेफ्टी के लिए बढ़ाने के लिए हमने ये बनाया है। हमने सोच हर साल करीब 200 करोड़ लोग मरते हैं पूरा दुनिया में कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो हमने उसको एनालाइज करके हमने देखा कि उनके कारण क्यों है, सबसे बड़े कारण। फिर हमने वो जो फीचर्स हैं उसमें इसमें डाला जो कि वो प्रिवेंट हो सकते हैं। तो पहले फीचर है हीट स्ट्रोक का। जब लोग को हीट स्ट्रोक होता है उनको पता नहीं होता कि हीट स्ट्रोक हो रहा है जब तक हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो और अगर हीट स्ट्रोक हो जाता है तो वो फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और अगर वो काम कर रहे हैं बहुत ऊपर है ना कंस्ट्रक्शन साइट पे और बेहोश हो जाते हैं तो वो मर भी सकते हैं और बहुत लाइक हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने एक टेम्परेचर सेंसर लगाया है इसके अंदर जो कि वो टेम्परेचर मेजर करेगा सर की रीजन में, सर की रीजन। हाँ, तो अगर वो जो लाइक हीट स्ट्रोक की प्रेशर थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है जो 104 फ़ारेनहाइट होता है, हाँ। तो अगर उसके करीब भी आता है टेम्परेचर तो हम बोल देते हैं, सिग्नल कर देते हैं वर्कर को कि काम बंद करो और इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन वो अपनी बॉस के पास चले जाओ या हॉस्पिटल पे चले जाओ। फिर हमारा दूसरी फीचर है अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। सबसे बड़ा कारण जो लोग मरते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर क्योंकि वो हैवी, वो जो बड़े बड़े मशीनरी, बड़े ट्रक्स एक्सेट्रा, उनसे टकरा जाते हैं और मर जाते हैं। तो इस और ये होता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बहुत शोर होता है और इतना वाइब्रेशन होता है। अगर आप काम कर रहे हो तो कौन ध्यान रखेगा आपके पीछे एक बड़ा गाड़ी आ रहा है। तो इसलिए हमने एक ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है जो कि ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है उसको वो देख सकता है। ये कितने तक? वैसे तो आर्डुइनो के लिए तो 5 मीटर है, लेकिन जब हम एक्चुअल में हम बनाएंगे वो बेटर करेंगे पीसीबी के साथ, हम 10 मीटर तक करेंगे क्योंकि रिएक्शन टाइम भी बहुत कम होता है। 10 मीटर भी अगर थोड़ा सा तेज़ भी चल रहा होता है तो टाइम भी देना होता है बंदे को कि वो एक्चुअली आ रहा है। हाँ, तो हमारा इस प्रोजेक्ट का एक्चुअल कॉस्ट अभी प्रोटोटाइप के लिए अबाउट 3500 है, लेकिन जब हम एक्चुअल में बनाएंगे तो करीब 900 का होगा सिर्फ। ठीक है, फिर हमारा तीसरा और आखिरी फीचर है SOS वायरलेस सिग्नल। जब एक बंदा वो इंजर हो जाता है, हाथ पे लग जाता है, पैर पे लग जाता है ना, तो वो हमने सोचा कि वो कैसे मदद के लिए बुलाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट पे तो इतना शोर है कि किसी को सुनाई नहीं देगा। अगर हाथ पे इंजरी हो गया तो वो वॉकी टॉकी पे कैसे या कुछ फ़ोन निकाल के कैसे बुलाएगा, और अगर लेग वो हो पैरालाइज हो गया तो वो कैसे बुलाएगा किसी को, है ना। तो इसलिए हमने एक फोर्स सेंसर लगाया उसकी पीछे जो कि अगर आप लेटोगे या एक दीवार के साथ पीट लाइक लीन करोगे तो वो फोर्स सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो फोर्स सेंसर एक सिग्नल सारे जो करीब वर्कर्स हैं उनको एक सिग्नल भेज देगा और फिर वो सिग्नल बताएगा कि वर्कर्स कि एक दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्कर इंजर्ड हो गया। तो फिर वो ढूंढने लग जाते हैं उनको और फिर वो एम्बुलेंस भी उसी समय ही बुला लेते हैं। इसलिए तो वो रिस्पांस टाइम कम हो जाता है और वो फिर उसकी वजह से बहुत जानों बच सकती है।